आपने तो पिज़्ज़ा बहुत खाया होगा, चाहे पिज़्ज़ा बेस के साथ हो या ब्रेड के साथ हो, लेकिन डेफिनेटली ये पिज़्ज़ा नहीं है। ये बहुत ही यूनिक तरीके से बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ होती है इसमें, वेजिटेबल्स होते हैं और साथ ही साथ में ब्रेड होता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है एक कॉम्बो स्नैक। अब ये कॉम्बो स्नैक क्या है, इसमें वेजिटेबल्स है, ब्रेड्स है और बहुत कुछ है। आप इसे एज ए स्नैक खा सकते हो। तो ये कॉम्बो स्नैक क्या है वो देख लेते हैं वीडियो में। मैंने यहाँ पे 4 व्हाइट ब्रेड ले लिए हैं और अभी हमें यहाँ पे ब्रेड को काटना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कैंची की सहायता से काट लूँगी। ये जो ब्रेड है, जो सफ़ेद हिस्सा है, इसके मैं 3 हिस्से कर लूँगी। और 3 हिस्से देखिए हो चुके हैं। जो लंबा स्ट्रिप है उसे भी 3 हिस्सों में काट लेना है। अगर आपके पास चौकोर साँचा है और वो भी साइज उसका बड़ा है, तो आप ये पूरा ब्रेड उस साँचे के ऊपर रख सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे चौकोर साँचे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे ऐसे काट रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो गोल आकार का साँचा है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्रेड को मैंने यहाँ पे काट लिया है और जैसे आप देख सकते हो, ये जो ब्रेड के जो किनारे हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे गोल साँचा ले लिया है और ये नॉनस्टिक है। अगर आपके पास चौकोर साँचा है तो आपको इस तरह से छोटे छोटे ब्रेड्स काटने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा ब्रेड उसके ऊपर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे साँचे को ब्रश कर लेती हूँ बटर से। बटर तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, तो अब जो ब्रेड है वो मैं प्लेस कर दूंगी इसके ऊपर। अच्छे से रखना है और हल्का सा हमें इसे दबाना है ताकि हम एडजस्ट कर सके इस छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस को। ये मात्र 2 मिनट का वक्त लेता है। देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो ब्रेड है, 1-2 ब्रेड रह गए हैं, उसको भी मैं एडजस्ट कर लूंगी इसके अंदर ही। ये तैयार हो चुका है, तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में और आगे की फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू, शिमला मिर्च और फूल गोभी लिया है। आलू को मैंने यहाँ पे थोड़े से क्यूब्स में काट लिए थे और इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया है। साथ ही साथ में यहाँ पे फूल गोभी है, इसे भी मैंने काट लिया है और आप इसका जो साइज देख सकते हो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे फूल गोभी को भी मैंने उबाल लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। और जो शिमला मिर्ची है वो बॉयल नहीं है, वो कच्ची है और इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं है ना बहुत ज़्यादा बड़े है। यहाँ पे मैं डालूंगी मेयोनीज। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज डाल दी है और ये आधा कप से भी कम है। तो यहाँ पे मेयोनीज बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतने ही डालना है कि अच्छे से कोट हो जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा कम सा लग रहा है तो ऊपर से और एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को मिला लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, यानी कि कह सकते स्पाइसी है ही नहीं। तो ऊपर हम डाल देते हैं इसके चिली फ्लेक्स ताकि तीखापन सा लगे। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। साथ ही साथ में 1/4 टीस्पून डाल देंगे वाइट पेपर। आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो अगर वाइट पेपर नहीं है तो। अब डाल देंगे इसके अंदर मिक्स हर्ब। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप सिर्फ ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है, साथ ही साथ में क्रीम चीज़ भी नमकीन सा होता है, साथ ही साथ पिज़्ज़ा सॉस है उसके अंदर भी थोड़ा नमक होता है। तो मेरे लिए तो सफिशेंट है कि मैं ऊपर से नहीं डालने वाली हूँ नमक। तो जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है, इसे मैं रख देती हूँ साइड में और फटाफट एक बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पे आधा कप लिया है, ये पका हुआ दूध है और पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब इसमें हम डाल देंगे चीज़ क्यूब, ये प्रोसेस चीज़ क्यूब है अमूल का। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रोसेस चीज़ क्यूब्स जो होते हैं वो मैंने काट लिए हैं, तो ये डाल देती हूँ। साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर और बस इसे बंद कर देना है और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है और एक हल्का सा गाढ़ा बैटर तैयार हो चुका है। तो फटाफट हम कर लेते हैं तैयारी। तो चलिए हम इसे फटाफट बना लेते हैं। तो जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर हम डालने वाले हैं जो बैटर हमने तैयार किया है, दूध, चीज़ और बटर का, वो हम डालेंगे। इससे ये होगा कि जो ब्रेड है बहुत ही ज़्यादा मुलायम से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी से लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो ब्रेड के ऊपर फैला दिया है।
और चम्मच की सहायता से इसे और अच्छे से फैला देंगे। अब डालने वाले हैं फिलिंग। जो फिलिंग हमने तैयार की है शिमला मिर्च, आलू और फूल गोभी की। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा जो मिक्सचर तैयार किया है वो फैला दिया है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर हम डालेंगे किनारे जो ब्रेड के हमने काट लिए थे, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। तो चीज़ तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फैला दिया है। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स इटालियन सीजनिंग और साथ ही साथ में डाल देंगे चिली फ्लेक्स और लास्ट में हम थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं धनिए के साथ। चलिए अब इसे हम बेक कर लेते हैं। अब बेकिंग मैं यहाँ पे करी हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया था नमक और जो स्टैंड है वो भी रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे इसे 5 मिनट तक तेज आंच पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो ये गया साँचा कढ़ाई के अंदर और बस इसे हम ढक देंगे और तेज आंच पर हमें यहाँ पे 5 से 10 मिनट के बीच में इसे बेक करना है। तो तेज आंच पे 10 मिनट के लिए मैंने इसे बेक कर लिया है और जो चीज़ है मेल्ट हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे तो खैर टूट पड़ेंगे इसके ऊपर और बड़े भी बहुत ही चाव से खाएंगे इसे। तो चलिए ये गर्मा गर्म खा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्रीमी सा है, गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ में इसमें जो वेजिटेबल्स है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल एकदम परफेक्ट है। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।